गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। और दोस्तों, आज आपके बीच में डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक फिर से बहुत शानदार टॉपिक मैं लेके आया हूं। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो हर डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नए हैं तो एक सवाल आप अपनी अपलाइन से सबसे ज़्यादा पूछते होंगे, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में पुराने हो चुके हैं, एक लीडर बन चुके हैं, तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग, बल्कि मैक्सिमम लोग एक सवाल आपसे सबसे ज़्यादा पूछते होंगे, और वो सवाल क्या है? इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या किया जाए? जी हाँ, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या किया जाए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस के अंदर। कोई भी व्यक्ति जब नया होता है तब ये पूछता है कि मुझे कामयाब होने के लिए क्या करना है या क्या किया जाए। जब कोई व्यक्ति, कोई लीडर एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसकी एक अच्छी खासी अर्निंग आनी शुरू हो जाती है, उस लेवल से सेकंड लेवल पे जाने के बाद वो सोचना शुरू कर देता है कि अब कामयाब होने के लिए क्या किया जाए। और कई बार देखा गया है कि जब एक लेवल पे आप पहुंच जाते हैं और अचानक आपका डाउनफॉल आता है, जो कि जायज है, जो कि एक प्रोसेस है, जब बिजनेस आपका डाउन जाता है, जब आपका चेक डाउन जाता है, फिर आपके मन में आगे एक सवाल आता है कि अब इस बिजनेस में क्या किया जाए। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। आज के इस वीडियो में आपको उसी सवाल का आंसर मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर जो बहुत सक्सेसफुल थे, एक बार उनका किसी ने इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले ने उस सक्सेसफुल लीडर से पूछा कि सर, जब इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आप नए नए आए थे, तो आपने कामयाब होने के लिए क्या एक्शन लिया, क्या काम किया? तो सक्सेसफुल लीडर ने जवाब दिया कि जब मैं इस इंडस्ट्री में नया आया था, अपनी कंपनी में जब मैं नया आया था और मुझे इस बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरी अपलाइन ने मुझे एक ही बात बताया था कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है शो द प्लान। तो मैंने शो द प्लान यानी कि अपने जानकार लोगों को प्लान दिखाया। मुझे जो भी मिलता था, मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि बगैर प्लान दिखाए इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत बड़ी इनकम नहीं ले सकते। तो मैंने उस सिस्टम को फॉलो किया, उस बात को फॉलो किया, मुझे जो भी मिलता था मैं उसको प्लान दिखाता था। उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने कहा फिर हमें पता लगा सर, एक टाइम ऐसा था कि आपकी बहुत अच्छी आमदनी आनी शुरू हो गई थी, बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच गए थे, उस वक्त उस लेवल पर बने रहने के लिए और ज्यादा अचीवमेंट लेने के लिए, क्योंकि कामयाबी एक शिखर पे पहुंचने का नाम नहीं है, एक शिखर पे पहुंचने के बाद दूसरे शिखर पे या दूसरी लेवल पे या उससे बड़ी अचीवमेंट कैसे लिया जाए, कामयाबी एक्चुअल में उसी का नाम है। तो जब आप एक लेवल पे पहुंचे और आपका बहुत अच्छा चेक आ रहा था, जो लाखों लोगों का सपना होता है, उस वक्त आपने क्या एक्शन लिया, उस वक्त जब आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आपने क्या काम किया? वो लीडर हंसे और उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे था, जो लाखों लोगों का सपना होता है, जो मेरा भी सपना था, उस लेवल पे जब मैं पहुंचा, उससे बड़े लेवल को प्राप्त करने के लिए मैंने फिर अगेन एक ही काम किया, और उस काम का नाम है शो द प्लान। उस वक्त भी मुझे जो भी मिलता था, क्योंकि अब मैं इस बात की पावर को समझ गया था कि प्लान दिखा दिखा के अगर मैं यहां तक पहुंचाऊं तो और ज्यादा प्लान दिखा के, या अपनी टीम में बहुत ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने वाला, यानी डुप्लीकेट करके ज्यादातर लोगों को प्लान दिखाने के लिए तैयार करके, मैं और बड़ी अचीवमेंट में पहुंच सकता हूं। तो मैंने खुद प्लान दिखाना जारी रखा और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने वाला तैयार किया। उस इंटरव्यू लेने वाले ने बोला बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन आपकी स्टोरी में हमें पता लगा, आपकी जब हमने जीवनी देखी तो हमें पता लगा कहीं से कि एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद आपके बिजनेस के अंदर, आपके करियर में आपका एक बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आया। एक बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद, बहुत अच्छा चेक लेने के बाद, आपका चेक बहुत डाउन हो गया, आपका चेक, आपका बिजनेस बहुत डाउन हो गया। ऐसी स्थिति में सर आपने क्या एक्शन लिया, ऐसी स्थिति में आपने क्या काम किया? वो स्पीकर मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने जो आंसर दिया वो आपके लिए बहुत बड़ी आज की इस वीडियो में चीज हो सकती है, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव वो बात लेके आ सकती है। उन्होंने कहा जब मेरा बिजनेस में डाउनफॉल आया, अगेन मैंने वही काम किया, मैंने शो द प्लान यानी कि लोगों को प्लान दिखाना बंद नहीं किया। जब मेरा बिजनेस डाउन आया उसके बाद भी मुझे जो भी मिलता था मैं उसे अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान दिखाता था। तो दोस्तों, मैसेज क्या है, अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं,
आपको अगर सफल होना है तो क्या काम करना है, शोधा प्लान, जो भी मिले उसको प्लान दिखाइए। अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए, उस लेवल से जंप करके अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो क्या करना है, अगेन शोधा प्लान। और अगर आप एक अच्छे लेवल से डाउनफॉल की तरफ आ गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिजनेस है ये, बिजनेस का प्रोसेस है, अप डाउन यहां पे लगा रहता है। अगर आप डाउनफॉल में चल रहे हैं, अगर आपका मन कर रहा है इस बिजनेस को छोड़ दूं, तो ये गलती मत करना, अगेन आपको वही एक्शन लेना है और उस एक्शन का नाम है शो द प्लान। यानी कि शो द प्लान, प्लान दिखाना बंद नहीं करना है, क्योंकि जब आप नए थे तब आपने प्लान दिखाया और एक पोजीशन पे पहुंचे, और अगर अभी आपका बिजनेस डाउन है अगेन प्लान दिखाना शुरू करोगे तो फिर नए पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। तो नए व्यक्ति हैं तो भी मूल मंत्र एक है शो द प्लान, एक लेवल पे आप पहुंच गए हैं तब भी मूल मंत्र है शो द प्लान, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार कीजिए शो द प्लान के लिए, और अगर बिजनेस में डाउनफॉल जा रहा है तो भी मूल मंत्र एक है शो द प्लान। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और कहीं ना कहीं आपकी टीम में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते होंगे, सर कामयाब होने के लिए सर कोई मूल मंत्र बता दीजिए, कामयाब होने के लिए कोई गुरु मंत्र बता दीजिए। तो भेज दीजिए उन सभी लोगों को ये वीडियो, उनको उनकी बात का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप समझाएंगे तो शायद समझ में नहीं आए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। कई बार कोई चीज डायरेक्ट आपसे समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसी चीज को किसी वीडियो के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप पहुंचाएंगे तो थर्ड पार्टी अप्रोच कहलाता है, और थर्ड पार्टी अप्रोच मैक्सिमम लोगों को समझ में आती है। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।